हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी, प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं चॉकलेट सिस्ट के बारे में। चॉकलेट खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, बट अगर चॉकलेट सिस्ट जैसी बीमारी हो जाए तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि चॉकलेट सिस्ट क्या है, किस वजह से बनती है, इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और हम इसको मेडिसिन से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आगे मेरी जो भी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। गुजरात से बाहर रहते हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट हॉस्पिटल आकर विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चॉकलेट सिस्ट क्या है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है, क्योंकि ये जो चॉकलेट सिस्ट कंडीशन है वो अराइज होती है एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन की वजह से। पहले हम ये समझते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन क्या है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, यूट्रस के जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये लेयर जब यूट्रस से बाहर कहीं और ग्रो करने लगती है उस कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। चॉकलेट सिस्ट की कंडीशन में क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम जो है वो ओवरी में जाके ग्रो होने लगती है, और जिस तरह मंथली पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स के टाइम पे क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये बाहर की तरफ आती है। तो ये जो ओवरी के अंदर एंडोमेट्रियम लेयर है वो वहीं पे शेड होती है और वहीं पे ये डार्क ब्राउन कलर का डिस्चार्ज इकट्ठा होता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं चॉकलेट सिस्ट। तो ये जो चॉकलेट सिस्ट कंडीशन है ये मेनली किसकी वजह से हो रही है, एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन की वजह से। ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये ओवरी में जाके ग्रो होने लगी है और उसकी वजह से ये चॉकलेट सिस्ट फॉर्म होती है। ये जो एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन है इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है कि ये जो एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन है वो किस वजह से हो रही है, बट बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि बताई गई हैं, जिसमें जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। इट मीन्स जो मेंसेस का फ्लो है जो कि नीचे की तरफ होना चाहिए बट वो अपोजिट डायरेक्शन में होने लगता है। अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने की वजह से वो फिर कहीं और पे जाके ग्रो करने लगती है। ये जो एंडोमेट्रियम है वो फैलोपियन ट्यूब में भी ग्रो हो सकती है, ओवरी में भी ग्रो हो सकती है, यूट्रस के आसपास जो लिगामेंट्स होते हैं वहाँ भी ग्रो हो सकती है। तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, की जो मेंसेस है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में उसका फ्लो थोड़ा रहता है, जिसकी वजह से ये जो एंडोमेट्रियम है वो जगह जगह पर जाकर ग्रो करने लगी है। वैसे ये जो कंडीशन है वो हार्मोन डिपेंडेंट कंडीशन बताई गई है, कि जब बॉडी में हार्मोन जो है वो इम्बेलेंस होते हैं उसकी वजह से भी ये कंडीशन अराइज होती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो चॉकलेट सिस्ट जो बनी है इसमें आपको लक्षण क्या दिखाई देते हैं। तो ये चॉकलेट सिस्ट बनने की वजह से आपको पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगेगा, जिसको डिसमेनोरिया बोलते हैं। सेकंड, आपको इंटरकोर्स करते टाइम भी आपको पेन रहेगा, जब आप रिलेशन बना रहे होंगे उस टाइम पे भी आपको पेन फील होगा। उसके साथ साथ में जो आपके पीरियड्स हैं वो इररेगुलर हो सकते हैं। और ये जो कंडीशन है, क्योंकि चॉकलेट सिस्ट कहाँ पर बन रही है, ओवरी के अंदर, और ओवरी जो है वो अंडे को बनाने में हेल्प करती है, तो ओवरी के अंदर अगर ये चॉकलेट सिस्ट बन गई है तो जो अंडा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा, तो अगर आप कंसीव करने का भी ट्राई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है, तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होती है पेशेंट को। कभी कभी कोई भी सिम्टम्स नहीं रहता है, पेशेंट इनफर्टिलिटी के लिए रूटीन चेकअप करा रहा होता है जिसमें अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, तो उसमें पता चलता है कि आपको चॉकलेट सिस्ट है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि चॉकलेट सिस्ट में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है। सेकंड, ये जो चॉकलेट सिस्ट बनी है इसका कितना साइज़ है। थर्ड, ये जो चॉकलेट सिस्ट है इसकी सीवियरिटी कितनी है, इट मीन्स ये जो एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन है उसकी कितनी सीवियरिटी है। एंड लास्ट, कि आप जो चॉकलेट सिस्ट हुई है आपको आगे बेबी प्लान करना है या नहीं करना है, तो जो ट्रीटमेंट है वो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहले हम बात करते हैं कि मॉडर्न में क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो इसका साइज़ है उस पर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। तो साइज़ अगर 5 सेंटीमीटर से कम का साइज़ है चॉकलेट सिस्ट का, तो पहले टैबलेट्स मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, टैबलेट्स से इसको कम करने का कोशिश किया जाता है, उसमें आपको हार्मोनल टैबलेट दी जाती है। सेकेंड, अगर इसका साइज़ बड़ा है और आप कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी की जाती है। लेप्रोस्कोपी सर्जरी में जो ओवरी रहती है इसके अंदर जो डिस्चार्ज रहता है उसको निकाला जाता है, जहाँ पर भी एंडोमेट्रियम ग्रो हुई होती है उसको बर्न किया जाता है उस एरिया को। तो मेनली ये दो ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयुर्वेदा की।
कि क्या आयुर्वेद में भी इस कंडीशन को एक्सप्लेन किया गया है, क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है चॉकलेट सिस्ट के लिए, तो यस, आयुर्वेद में भी इस कंडीशन को एक्सप्लेन किया गया है। और आयुर्वेद में जो बताया गया है वो बताया गया है कि ये जो कंडीशन है वो वात दोष के इम्बैलेंस की वजह से होती है। तो जो वात में भी स्पेशली जो अपान वायु रहती है वो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है, तो जब उस वायु का विशेषण होता है, जब वो वायु दूषित होती है, तो उस वजह से ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो अपर डायरेक्शन में जा सकता है। तो मेन दोष जो है वो वात दोष के इम्बैलेंस की वजह से ये कंडीशन अराइज होती है। आयुर्वेद में हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो अगेन अगर चॉकलेट सिस्ट का साइज़ 5 सेंटीमीटर से कम है तो आयुर्वेदिक मेडिसिंस हैं जो कि बहुत अच्छे से हेल्प करती हैं इसको कम करने में। मेडिसिंस के साथ साथ में आयुर्वेदिक प्रोसीजर भी हैं जिसको पंचकर्मा थेरेपी बोलते हैं। पंचकर्मा थेरेपी क्या करता है, जितनी भी बॉडी में दोष जो है वो इम्बैलेंस हुए हैं उसको सही से बैलेंस करता है और चॉकलेट सिस्ट को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि ये जो भी कंडीशन अराइज़ हो रही है वो कहीं ना कहीं हमारा जो हम खाना खा रहे हैं, हमारा आहार पे डिपेंड करती है, हमारे विहार इट मीन्स हमारी लाइफस्टाइल कैसी है उस पे डिपेंड करती है। तो मेडिसिन के साथ साथ में आपको अपनी डाइट में इम्प्रूव करना रहेगा, आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी इम्प्रूवमेंट करना रहेगा। सर्जरी जो है वो इसका डेफिनेट ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये सोचें कि एक बार सर्जरी करा ली तो ये कंडीशन फिर से अराइज़ नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्जरी कराने के बाद भी जो चॉकलेट सिस्ट है वो दोबारा से अराइज़ हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। चॉकलेट सिस्ट को अगर ना ट्रीट करें तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो इसमें जो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो ये कि जो इसका साइज़ है वो बढ़ता जा सकता है और बढ़ने की वजह से ये रप्चर भी हो सकती है। तो अगर ये ओवरी रप्चर हो गई तो क्या होगा, इसके अंदर का जो सारा गंदा फ्लूड है, डार्क ब्राउन कलर का फ्लूड है, वो पूरा पेरिटोनियम में आ जाएगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे पूरा इन्फेक्शन हो सकता है। तो रप्चर होने के चांसेस रहते हैं अगर ये साइज़ इसका बढ़ता रहा। सेकेंड थिंग, अगर ये साइज़ बढ़ता रहता है तो इसकी वजह से कभी कभी ये जो ओवरी है वो ट्विस्ट हो सकती है, इट मीन्स मुड़ सकती है। तो अगर जिसको हम टॉर्शन बोलते हैं, तो अगर ये ट्विस्ट हो गई तो उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन इसमें दिखाई दे सकता है। तो ये दो कॉम्प्लिकेशन है जो कि अगर चॉकलेट सिस्ट को ना ट्रीट किया जाए तो हो सकता है। तो अगर आपको चॉकलेट सिस्ट है तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये मेडिसिन से भी ट्रीट हो सकता है। इसके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें, पंचकर्मा थेरेपी कराएं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।